पाव का ये नेटी टेक्सचर कैसे लग रहा है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया सिग्नेचर डिशेस। बेकरी स्टाइल सॉफ्ट फ्लफी पाव कैसे बनाएं उसकी रेसिपी आज शेयर कर रही हूँ। इसको मैंने मिसल के साथ बनाया था। मिसल की रेसिपी मेरे चैनल पे है, वो देख लीजिए। इंग्रेडिएंट सेम ऐसे ही यूज़ करें। अभी लेंगे बोल में यीस्ट और गुनगुना दूध। देखिए मैंने यहाँ पानी लिया है, लेकिन प्लीज़ आप दूध ही ले, पानी ना ले। उसी में डालेंगे शक्कर, अच्छी तरह से करेंगे मिक्स और 15 मिनटों के लिए इसको करेंगे सेट। 15 मिनट हो गए हैं, देखिए यीस्ट भी फूल चुका है। यीस्ट नहीं फूला तो पाव नहीं फूलेगा। अभी डालेंगे मैदा, मिल्क पाउडर और उसी के साथ चुटकी भर नमक और इसको हम अच्छी तरह से गूंधेंगे। इसको हमें करीबन 30 से 40 मिनटों तक गूंथना है, तभी आपके पाव जो है वो सॉफ्ट और फ्लफी बनेंगे, नहीं तो बेकरी स्टाइल नहीं बनेंगे। पाव की जो ये बैटर है उसको ऐसे ही पेस्ट की तरह रहना चाहिए। पेस्ट की तरह नहीं है तो आपका पाव अच्छा नहीं बनेगा। स्क्रेपर से स्क्रेप करना है, पटकना है, फिर से ऐसे करना है और पूरे 30 मिनटों के बाद ये ऐसे बनते। अभी एक घंटे के बाद ये ऐसे फूल चुका है। इसको हम 6 भागों में डिवाइड करेंगे। काउंटर टॉप पे मैदा छिड़के और दोनों हाथों की सहायता से छोटे छोटे गोले ले, ऐसे गोल गोल करें और नीचे से टक करें ताकि एरेशन हवा बंद हो जाए, और ग्रीस्ड ऑयल टिन में रख दे और दूध से वॉश करके बंद करके एक घंटे के बाद ऐसे फूलेंगे। फिर से इसको दूध लगाएं अच्छी तरह से और माइक्रोवेव में इसको 15 से 20 मिनटों तक 180 डिग्री सेल्सियस पे रख दे। मेरे जो पाव है वो 15 मिनट में बन गए। तुरंत इस पे बटर या घी लगाया और इसको एक हैंडकरचीफ से जो कि वेट है उससे बंद करें एक घंटे के लिए। ये कड़क होते हैं, बाद में मुलायम होते हैं। इनको ऐसे छुड़ाना है और बाद में पलट के देखिए तो वाओ, हमारे ये पाव देखिए कितने नट्टी और स्पॉन्जी टेक्सचर के हैं। देखिए दबाते ही फिर से आकार ले रहे हैं और देखिए इसमें नेट जो पड़ी है, ओ वाओ, देखिए सेम बेकरी स्टाइल। तो ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? लाइक हुई तो थम्स अप दे फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर करें। बाय।